ये कौन सी फिल्म है? ये तो है सत्य प्रेम की कथा, कियारा एंड कार्तिक लेके आए हैं, जो उन्होंने ब्यूटीफुल पिक्चर्स शेयर किए इंस्टा पे। भाई कहा तो ये भी जा रहा है कि अभी लेटेस्ट जो कियारा एंड सिद्धार्थ की शादी हुई थी, उसमें जो इनके बहुत ज्यादा अच्छे मोमेंट्स है, वही सेम मोमेंट्स इस फिल्म में रिक्रिएट कर दिए हैं, एंड वो भी कार्तिक के साथ। इस वजह से वो ज्यादा बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो चुकी है और कियारा को बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया है। आपको क्या लगता है, ये उन्होंने सही किया या गलत? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। सत्य प्रेम की कथा, इसके सेट्स पे क्या धूम मचाई थी कियारा और कार्तिक ने, इसकी एक वीडियो वायरल है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म के पहला जो नाम था वो था सत्यनारायण की कथा, तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट होने के बाद उन्होंने ये नाम चेंज कर दिया और रख दिया सत्य प्रेम की कथा। अब एक्चुअली ये कुछ सत्य प्रेम मतलब रियल लव स्टोरी टाइप्स नहीं है। एक्चुअल में सत्य प्रेम जो नाम है वो है अपने आर्यन का और कार्तिक का, और जो कथा नाम है वो है कियारा का। तो इन दोनों का जो लव स्टोरी है, इसको मिलजुल कर उन्होंने बना दिया है सत्य प्रेम की कथा। तो मतलब ये दोनों जो बंदे है इनकी ये स्टोरी है, तो देखते हैं अब ये हिट होगी या फ्लॉप होगी, तो हमें थिएटर्स में जाके ही चेक करना पड़ेगा। हाल ही में कियारा ने एक बहुत ज्यादा थैंक यू वाली भरभरी लव से भरभरी एक जो चिट्ठी है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाल दी है अपने फैंस के लिए, जहां पे वो कह रही है आई लव माय जॉब, एंड उन्हें बहुत ज्यादा सब उनके फैंस के लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है, ऐसा उन्होंने शी इज वेरी ग्रेटफुल, शी इज वेरी थैंकफुल, ऐसा उन्होंने इस चिट्ठी में सबको लिख दिया है। ये अभी बहुत ज्यादा जगह पे वायरल हो चुकी है, तो इसका भी एक स्निपेट मैंने डाल ही दिया है आपके लिए। सुनने में तो ये भी आया कि पहले ये फिल्म ऑफर की गई थी अनन्या पांडे और शर्वरी वाघ को, लेकिन इन दोनों ने ये फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। देन द थर्ड ऑप्शन वॉज कियारा आडवाणी। तो देखते हैं इन्होंने ये फिल्म रिजेक्ट की है तो इनको ये महंगा पड़ेगा डिसीजन या क्या ही होगा। इसके लिए तो भाई फिल्म रिलीज होने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो फिल्म के डायरेक्टर है समीर विध्वंस, जिन्होंने मराठी फिल्मों में बहुत ज्यादा नाम एज ए डायरेक्टर ऑलरेडी वो कमा चुके हैं। आनंदी गोपाल जैसे हिट फिल्म उन्होंने मराठी में दी है, एंड बहुत सारी एक लाइंड अप है उनकी एक फिल्मों की, जिसमें अभी वो डेब्यू कर रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। सो दिस इज देयर फर्स्ट डायरेक्टर डेब्यू, विच इज कॉल्ड एज सत्य प्रेम की कथा। तो देखते हैं जो मराठी में जादू उन्होंने क्रिएट किया है वो सेम अभी वो कर पाते हैं या नहीं। पूरी की पूरी फिल्म भाई इंडिया में ही पूरी फिल्म फिल्माई गई है, और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लोकेशन से वो है अपने कश्मीर से। तो कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा सीन्स अहमदाबाद गुजरात में भी शूट किए गए हैं, एंड ब्यूटीफुल सीन सीनरी इज फ्रॉम आर ओन कश्मीर। पूरा मसाला कूट कूट के भरा है इस मूवी में, ऐसा ट्रेलर से तो पता चल रहा है। इसमें होगा रोमांस, होगी कॉमेडी, इमोशंस तो आएंगे आएंगे, और गानों से धूम मचाने वाली ये फिल्म आ रही है 29 जून 2023 इन ऑल द सिनेमाज। तो आप क्या करने वाले हो, जाके देखने वाले हो क्या थिएटर्स में? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल टू नो मोर गॉसिप्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बहुत सारे वेब सीरीज, मूवीज, ओटीटी चैनल, सब पे आने वाली सब चीजों का पूरा कच्चा चिट्ठा मेरे चैनल पे आपको जरूर मिल जाएगा। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, कभी यस कभी नो, और भरपूर एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।